तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पास को मैंने सा बनाया है। यहाँ हमारा स्केल यहाँ से चालू होगा, काली चार पे मैंने ट्यून किया है। अगर बटन बेन जो है आपके पास तो भी यहाँ पास को सा मानना और काली चार पे, यहाँ काली चार पे ट्यून कर लेना बेंजो को, ताकि मेरा बेंजो का आवाज और आपके बेंजो का आवाज अगर सेम टू सेम आएगा तो आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका स्केल यहाँ पास को बनाया हो लेकिन काली दो काली तीन बनाया हो तो बेंजो का आवाज डिफिकल्ट आएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर काली चार पे अगर आप लोग ट्यून करोगे यहाँ पास को तो मैं बजाऊंगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि गाना कहाँ से बजेगा करके, ठीक है। तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए ये वाला सॉन्ग मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बजा लेता हूँ, उसके बाद आपको आराम से करके सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पास को हमने स्केल हमारा ये है काली चार हमने बनाया है। चलिए यहीं से चालू करते हैं ये सॉन्ग। ये सॉन्ग है और इस पे क्या है बेंजो का साउंड कम और ये इसका ज्यादा आ रहा होगा तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि आवाज मैंने स्टेंजर का कम कर दिया है तो लकड़ी का आवाज ही ज्यादा आएगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए इतना काफी है आवाज। तो फिर चलिए यहाँ से चालू करना सॉन्ग को, चलिए सीखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर सा पे आ गए, ठीक है, सा से चालू किए थे और फिर सा पे आ गए। चलिए एक बार और, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा म्यूजिक आएगा यहां से चालू करें, फिर सा पे आ गए, ठीक है। तो चलिए दूसरा म्यूजिक फिर मैं आपको बताता हूं, मैंने बजाया उतना टाइम तो पिकअप पिक को दोनों तरफ चला के बजा रहा था, अभी सिखा रहा हूं तो पिक को सिर्फ अपने तरफ खींच रहा हूं ऐसे ऐसे, तो अपने तरफ खींच खींच कर ही सीखिए, जब गाना निकल जाएगा उसके बाद आप पीक को किसी भी तरह से मार सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं और आपको यहां से दिखा देता हूं शुरू से, ठीक है। फिर सा पे आ गए
अब हम गाना को चालू करेंगे तो गाना फिर हमारा चालू होगा ये वाले बटन से। और मैं बता दूं यहाँ पर सारे गा पा धा नि सा कौन से, सारे गा मा पा धा नि सा। तो माँ से हमने दूसरा म्यूजिक माँ से चालू किया था और फिर उसका गाना जो है हम लोग माँ से ही चालू करेंगे, ठीक है? चलिए हर कर्म अपना करेंगे, वो ऐसे भी बज सकते हैं, ये सादा सिंपल हो जाएगा, लेकिन लहराव लाने के लिए, अच्छा से क्वालिटी लाने के लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है? हर कर्म फिर यहां पे आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे करके चलिए शुरू से, और हर कर्म अपना करेंगे, ठीक है? यहां पास से फिर म्यूजिक चालू हो जाएगा। तो हर कर्म अपना करेंगे, एक बार और दिखा देता हूं यहां तक, म्यूजिक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो अगर नोटेशन बताऊंगा यहाँ पे तो गड़बड़ा जाएगा, तो मैं इसी सॉन्ग को सेम टू सेम कैसियो पे डालूंगा और उस पे नोटेशन के साथ डालूंगा, ठीक है? उसके बाद उस वाले नोटेशन को देखकर आप लोग बेंजो पे भी सीख सकते हैं, और बेंजो पे अगर आप लोग ऐसे हाथ को देखकर सीख सकते हैं तो भी अच्छा बात है। यहाँ पे नोटेशन में डालूंगा गड़बड़ा जाएगा, सीख नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि पिक जो चलाना पड़ता है वो कभी हम कोई अपने तरफ खींच के बजाता है, कोई उस तरफ खींच के बजाता है, तो कोई धारा धारा करके बजाता है, तो हम नोटेशन यहाँ पे देंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, दूसरे गुरुजी देते होंगे तो शायद बेंजो पे वो लोग भी दे देते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, बेंजो पे नोटेशन नहीं दे रहा हूँ, केसियो पे जब इसी सॉन्ग को बजाएंगे नोटेशन दूंगा और पूरा 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 सॉन्ग बजाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने म्यूजिक और उसका एक मुखड़ा यहाँ पे बजा दिया है, तो इतने को अगर आप लोग सीख जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर सीख जाते हो और अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अगर सीखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट में मेरे को पूछना, और कोई भी गाना अगर आपको सीखना है तो भी नीचे कमेंट करना, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।